जिसको कहते हैं हम लोग 12 बजे से कहते हैं, पर 11:30 से वो रेडी हो जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिए दीजिएगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये 12 बजे का कैंडल है, ठीक है, मैं उससे पहला वाला कैंडल ले रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी हो ये वाला चीज। इसमें एक चीज देखिएगा जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, याद रखिए मैं जो वर्ड बता रहा हूं 100% श्योर नहीं है, मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं होता है। पर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए आप देखिएगा कि 12 बजे के आसपास में जो भी मार्केट का लो होगा या फिर हाई होगा, जैसे कि ये वाला सिचुएशन पे ये मार्केट का लो है, मैक्सिमम टाइम, याद रखिए ये मार्केट का मैं सीक्रेट चीजें बता रहा हूं, मैक्सिमम टाइम वही मार्केट का लो नहीं तो वही मार्केट का हाई हो जाएगा। जैसे कि ये वाला सिचुएशन पे देखिए मार्केट क्या हो गया है, लो हो गया है मार्केट, क्या इसको मार्केट दोबारा कुछ ब्रेक वगैरह किया है क्या? हाँ कंप्लीटली, जिस दिन साइडवेज मार्केट होता है वो अलग बात होता है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम आपको लो नहीं तो हाई के रूप में देखने के लिए मिलेगा। ये मार्केट का एक सीक्रेट चीजें है, ठीक है, क्या होने वाला है? ओके, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को फ्लैट ओपनिंग थ्योरी मैंने बताया, अभी मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, सेकेंड हाफ का कुछ सीक्रेट चीजें बताने वाला, इसके बाद सेकेंड हाफ थ्योरी भी है आप। चलिए ये आपका एक देखिए हो गया, आपका फेवर में ये हो गया। चलिए और देखते हैं, ये 28 का था, चलिए 27 को देखते हैं। 12 बजे के आसपास एक दो कैंडल इधर उधर चलेगा, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका 12 बजे के पास, 12 बजे जैसे बताया था मैंने, एक दो कैंडल आप इधर उधर ले सकते हैं। तो आप इस पॉइंट पे ये वाला को ले लीजिए, कोई 12 वाला कैंडल को ही लीजिए। आप देखिए जो लो होगा, देखिए ये थोड़ा बहुत जो नीचे वगैरह आया है ना उसको छोड़िए, आप ओवरऑल कंडीशन को आप देखिए उसको छोड़िए, और ये क्या होने वाला है, ये ऑप्शंस सेलर एंड हेजिंग वालों के लिए ये एक वरदान जैसे काम करेगा, मैं बता रहा हूं आप लोग, वरदान ब्रह्मास्त्र जैसे काम करेगा ये हेजिंग और ऑप्शन सेलर के लिए। जैसे मैंने बताया हुआ आप लोगों की ऑप्शन, सॉरी आप लोगों को नहीं, वो 1-2 के लिए था आंसर, ये तो सबके लिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, या इसी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो, आई एम सॉरी। सो क्या हो जाएगा, देखिए ये डेट भी आपका सेटिस्फाई हो गया कि वही डेट मार्केट का मार्केट ने लो बनाया हुआ है, ये आपका हो गया कौन सा 27 को। ये थोड़ा बहुत ये जो नीचे आ गया इसको छोड़िए, कोई मायना नहीं रखता आपका हेजिंग या फिर आपका सेलिंग में। उसके बाद देखिए ये दो दिन आपका हो गया 27 28 हो गया, चलिए 26 को भी मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए 12 बजे वाला, 12 बजे मैंने बताया हुआ कि एक दो कैंडल आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 11:30 बजे से मार्केट तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये वाला सिचुएशन आप देखिएगा, ये 12:30 बजे कैंडल, बट हम लोग ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं 12 बजे वाला ले रहा हूँ। बोले कि सर आप तो बताए थे कि 12 से सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, आप 11:30 से कैसे ले रहे, ये कंफ्यूजन फील ना हो इसलिए मैं इस चीज को आपको बता रहा हूँ। ओके सॉरी, तो ये भी आपका देखिए वही चीज हुआ जो चीज हम लोग बता रहे हैं आप। ठीक है, अब चलते हैं और भी देखते हैं। ये 3 दिन हो गया, मैंने बता रहा हूं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, आप देखिए कितना प्रोबेबिलिटी रह रहा है, हम लोग 3 दिन आपका अपना अपना फेवर में रहे। ठीक है, ये 12 बजे देखते हैं।
और ये क्या है, ये हाई है। अब दस में से हम कितना बार फेल कर रहे हैं वो चीज आपको देखना है। ये मार्केट का क्या हो गया, हाई हो गया एक टाइम का। ये आपका कौन सा 25 का हो गया। चलिए 24 को हम लोग दिखाते हैं आपको। आप लोग बोलते हैं ना कि सब ट्रेडिंग नहीं कर पाते, मेरा सिखाने के बावजूद भी अगर आप लोग ट्रेडर नहीं बन पाए ना, तो सब मेरा गलती कुछ नहीं है। ये चीज को मैं सिंपल बता रहा हूं, मेरा सिखाने के इतना ट्रेडिंग को इतना इजी करने के बावजूद भी अगर आप सीख नहीं पाए ट्रेडिंग को, मेरा गलती वो नहीं है, वो आपका गलती है, क्योंकि आपने डेडिकेटेड के रूप में टाइम नहीं दिए। मैं इतना क्लियर और इतना इजी के साथ आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूं। ये मार्केट का क्या है, लॉ है। देखिए कितना बार हम लोग फेल हो रहे हैं बस, ठीक है। देखिए और चलिए देखते हैं 21 को, 12 बजे, ज्यादा कुछ नहीं, ये आपका 12 बजे का नहीं, सेकेंड हाफ का हम लोग बात कर रहे हैं। और ये क्या है, मार्केट का हाई है। एक बार मुझे बताइए फेल हुआ मैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, छह बार से हम लोग छह बार अपना हिट किए। चलिए और देखते, ये आपका हो गया 21 को, चलिए 20 को देखते, ये आपका 12 बजे वाला कैंडल आसपास चलेगा, कोई बात नहीं। क्या है मार्केट का, ये हाई है। और ये हाई और लो कैसे आपको मालूम चलेगा कि ये मार्केट का हाई होगा या लो होगा, वो चीज पे मैं आप लोगों को आने वाला टाइम पे सिखा दूंगा, सेकंड हाफ की थ्योरी के जब अच्छे से सिखाया। ये आपका इंट्रोडक्शन सेकंड हाफ थ्योरी का है। जब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, इसको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट का हाई होने वाला है या फिर लो होने वाला है, और वो उसको हम गाना थ्योरी भी यूज करके एक चीज निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट का पूरा डेट का भी हाई और लो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे चल के आप लोग सीखेंगे सब, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आपका ये 20 हो गया, चलिए और भी देखते हैं, 29 को देखते हैं। कुछ नहीं, बस हमको 12 बजे देखना है, ये 12 बजे चीजें देखना है इस सिचुएशन को, ठीक है। देखिएगा तो ये जो मार्केट का आपका लो था, उससे मार्केट कितना नीचे आ गया है, देखिए 70 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ। चलिए ये आपका कह सकते हैं कि हाँ, मतलब सब, मैं तो कहता हूँ कि 10-20 पॉइंट इधर उधर होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। और हाँ, इसको आप इसे क्रॉस लिख सकते हैं कि हाँ, ये आपका फेवर में नहीं गया, इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और देखते हैं ये डेट को, सेम चीज है, मार्केट का हाई है, छोटा मोटा पॉइंट, वो छोटा मोटा पॉइंट मायने नहीं रखता है, 30-40 पॉइंट कोई मायने नहीं, तो उसको हम फाइंड आउट कर देंगे कि मार्केट का ये हाई होने वाला है या फिर मार्केट का ये लो होने वाला है, ठीक है। ये आपका हो गया, चलिए और देखते हैं 12 बजे के आसपास, ये मार्केट का सेकंड हाफ का, और ये आपका लो है। ठीक है चलिए और देखते हैं, ये आपका 12 बजे, ठीक है ना, ये 12 बजे, एक दो कंडल इधर उधर चलेगा जिस हम बताए थे। और ये क्या है मार्केट का, लो है, बस इसमें प्राइस सेक्शन भी है। ये दोनों आपको प्राइस सेक्शन भी दिखा रहा है, कंप्लीटली मालूम चल जाएगा। ये जो पूरा पॉइंट है ना, आप इसको पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको कैप्चर करने में, 500 पॉइंट्स, स्ट्रेट 500 पॉइंट्स कैप्चर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा डेट में, 13 तारीख को, चलिए और चलते हैं 12 तारीख को देखते हैं। तो 12 तारीख को ये हो जाएगा आपका 12 बज गए, ये वाला देखिए, और ये मार्केट का क्या है, लो है। चलिए और देखते हैं, ये आपका कौन सा डेट, 12 तारीख को गया, 11 तारीख को देखते हैं। ये क्या है आपका, लो है,
मैंने बताया ना कि हेजिंग वाले और जो ऑप्शन सेलर वाले होते हैं, ये उनको मैं उनको इतना अच्छा से सिखा रहा हूँ ना, बायर वाले को मैं अलग से सिखाऊंगा। जो हेजिंग और सेलर वाले हैं, मेरा स्टडी को अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, पहले आप गैप अप थ्योरी, सुबह जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगा, आप सुबह तो यूज करके उसको पूरा का पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में मार्केट क्या होने वाला है, कितना नीचे आएगा, साइडवेज होगा या फिर कितना ऊपर जाएगा। सेकेंड हाफ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मार्केट का लो क्या होगा, हाई क्या होगा, ये बस तो झलक है, ये आप कह सकते हैं टीजर है। उसका पूरा मूवी मैं सिखाऊंगा आप लोगों कि कैसे मालूम करेंगे आप लो क्या है हाई क्या है, ठीक है ना। आज तो टाइम नहीं होगा, पर इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को, पूरा का पूरा इसका मूवी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। ओके, फिर चलते 12 बजे, देखते हैं ये वाला चीजें मार्केट का। ये देख सकते हैं आप, ये हाई है मार्केट का, ज्यादा इधर उधर थोड़ा बहुत 50 सॉरी 20 30 पॉइंट, उसको आप माइनर मत रखिए, कंसिडर मत कीजिए कि सर ये तो थोड़ा सा ऊपर ब्रेक किया। अरे प्राइस से कसर लगा के हम देख देंगे कि मार्केट का क्या होगा, हाई होगा या लो होगा, हमको बस वो फाइंड आउट करना है कि इसी के रेंज पे मार्केट सेकेंड हाफ का या तो एक हाई बना सक मतलब उसी का रेंज आसपास मार्केट का हाई होता है, नहीं तो लो होता है। इस चीज को ध्यान दीजिए, मैंने ध्यान दिया हुआ है इसलिए आज आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ। इसको देखिए, ये भी मार्केट का क्या है, हाई है। ये भी मार्केट का हाई है और क्या है, ये देखिए आपका लो है मार्केट का, कौन सा डेट, 5। ये वीडियो आपको रात को मिलेगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने बताया था सुबह आपको मिलने वाला है और रात को हो रहा है, क्या होंगे, थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, ये 5 खत्म हुआ, चलिए थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं, 12 बजे वाला देखते हैं कैंडल। ये आप लोग एक आज यूनिक चीजें सीखने के लिए मिला होगा, हाँ मुझे नहीं मालूम है, आपको शायद पहले से ही मालूम होगा, पर हाँ जो लोग जिसको नहीं मालूम होगा उसके लिए ये यूनिक चीज होगा। अगर आपके लिए यूनिक चीज है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, एक अपना एक फीडबैक देख सकते हैं कि आपके लिए ये यूनिक था। और जिनके ऑलरेडी ये चीज मालूम होगा कोई बात नहीं सर, आप क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 5 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस का लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो शायद उनको ये मालूम भी हुआ होगा और देखे होंगे वो लोग। आप में से एक दो लोग हैं जिनका मार्केट में 18 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी मेरे से सीख रहे हैं। सुप्रिया सर जी, भरोसा करने के लिए, आपका भरोसा हम कभी नहीं तोड़ेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया 3 तारीख को, चले देखते हैं हम लोग। ये अप्रैल महीना देखिए हम लोग खत्म कर लिए, मार्च महीना को, अप्रैल महीने में कितना बार देखिए आपका फेवर में रहा, एक बार, दो बार हमारा फेवर में, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, ये आपका एक थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, नहीं तो आसपास ज्यादा दूर नहीं गया, आप देख सकते हैं 9 बार, 10 बार, इसको मैं गिन नहीं रहा, 11 बार, 12 बार, 13 सॉरी इंग्लिश को जा रहा हूं, 14 15 16 17 18 ट्रेडिंग डे से आप देख सकते हैं कि 16 टाइम्स हम लोग करेक्ट पे रह रहे हैं। इसको अगर आप सीख जाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, कि कैसे फाइंड आउट आपको करना है कि लो कैसे मालूम करेंगे ये लो होगा या फिर ये हाई होगा, प्राइस एक्शन से आपको समझ में आएगा। लेकिन ये तो जो मैंने अभी बताया शायद आपके लिए ये गेम चेंजिंग या मोड चेंजिंग हो सकता है अपना ट्रेडिंग के करियर पे, क्योंकि अगर आप हेजर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो तो फिर तो वोले वोले होने वाला है, ठीक है ना। ये चीज हो गया, और बायर बायर वाले के लिए भी इजी होगा, मैं इजी बना दूंगा इसको, ऐसा नहीं कि बायर वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बायर वालों की तो मैं ऐसा कुछ ला रहा हूँ जो उनका जिंदगी ही चेंज कर देगा आगे चल के। ओके, अब ये चीज हो गया आपका, कौन सा, अप्रैल का एक महीना का हमने ये करके दिखा दिए, बाकी आपका हम लोग मार्च का भी करके दिखा देंगे 2 महीना का, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये आपका 12 बजे, देखिए ये मार्केट का लॉ है, चलिए ये एक दिन हो गया। दूसरा दिन देखिए, ये आपका 12 बजे वाला कैंडल,
और ये आपका लो है। फोर देखते हैं 28 को, ये आपका 12 बजे वाला कैंडल है, ये भी आपका लो है। चलिए और देखते हैं 27 को, ये आपका 12 बजे वाला कैंडल है, ये भी आपका लो है। छोटा मोटा पॉइंट कंसीडर नहीं करते हैं तो प्लीज इसको आप इग्नोर कीजिए, एक व्यू लीजिए मार्केट का, मजा आएगा। ये आपका हाई है, जब आप रोड पर जा रहे हैं ना, छोटा मोटा होम्स आता है उसको कंसीडर नहीं करते। ओके सो ये चीज हो गया आपका, चलिए इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ये आपका 12 बजे, ऐसे सिचुएशन पे इसको आप कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ज्यादा आपको ऊपर में चला गया, पर एक दो कैंडल जैसे मैंने बताया था, अगर आप इसको कंसीडर कर लेते हैं 12 बज के नेक्स्ट वाला जो कैंडल वो कंसीडर करते हैं, ये मार्केट का एक हाई हो जाएगा, जो कि मैं सिखाऊंगा आगे चल के इसको कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं पूरा का पूरा मोमेंटम को, अगर आप हेजिंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे। देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आपको मिल रहा है 600 पॉइंट्स का। ओके चलिए और देखते हैं, ये भी आपका फेवर में ये चीज, और ये प्राइस सेक्शन भी है, आपको दिख रहा है प्राइस सेक्शन, और कितना बड़ा मोमेंटम को देखिए 500 पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे एक मिला था और इस पॉइंट पे भी एक मिल रहा है, बाकी इस पॉइंट पे भी आपको एक मिल जाएगा। बाकी इस पॉइंट पे भी देखिए प्राइस सेक्शन के साथ आपको मिल जाएगा, कितना बड़ा पॉइंट्स देखिए आप। सेवन हंड्रेड पॉइंट्स देख रहे हैं ना आप, इसके बाद ये डेट पे भी देखिए कितना पॉइंट्स आपको मिल रहा है, मजा आ जाएगा। मैंने बताया ना ट्रेडिंग आपको मजा आ जाएगा, थोड़ा सा जो सिखा रहा हूं ना, अगर उस चीज को आप अच्छे से सीखते हैं तो देखिए कितना पॉइंट्स है 500 पॉइंट्स है। इसके बाद इसको देखिए, ओके पॉइंट्स देखिए आप, और हाँ इसका जो सेकंड हाफ पॉइंट्स है, मतलब ये जो वीडियो है, ये जो मैंने बताया आपको जो आधा पार्ट है, मतलब 30 मिनट के बाद का जो वीडियो है मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका पूरा वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आधा वीडियो मैं बता रहा हूँ कि कैसे 12 बजे के बाद मार्केट का एक हाई है लो, डे हाई या डे लो आप फाइंड आउट करके इसके बाद कैसे लो फाइंड करेंगे, कैसे हाई होगा, क्या होगा, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। ठीक है, ये मत बताइए कि सारा यूट्यूब पर आप वीडियो क्यों डाल रहे, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी तो है ना, वो भी सब्सक्राइब करके रखे हुए, तो उनके लिए भी तो कुछ देना है, लेकिन सब कुछ चीजें तो मैं नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता रखा है, गैप अप गैप डाउन ये सब चीजें थोड़ी ना उन लोगों को दे दिया हूं, नहीं दिया हूं। ओके तो कुछ कुछ चीजें यूट्यूब वालों को भी मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ कुछ कुछ एटलीस्ट मैं हिंट तो देने वाला हूँ उन लोगों को कि क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। ये मार्केट का एक लॉ है, देखिए आप ट्रेडिंग इजी है, बस आप लोग सीखने से मतलब है कि आप कितना कैसे सीख रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं ना सीखने की वजह से, आपको कोई नहीं बचा सकता है मार्केट में, लेकिन अगर आप अच्छा से सीख जाते हैं तो प्रॉफिट आपके लिए कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट आपको कुछ नहीं लगेगा। एक टाइम था पैसा मुझे बहुत ज्यादा लगता था कि पैसा है भाई, पैसा चाहिए लाइफ में, पैसा चाहिए, आज मैं पैसा मुझे कुछ नहीं लगता है, पैसा मुझे चाहिए ही नहीं, आज मुझे पैसा कुछ नहीं लगता है मेरे भाई, सच बता रहा हूं,
नहीं मालूम है तो मेरे पास आके रुक के जाओ 1 महीना, फिर मालूम चलेगा कि पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है। पहले मैं पैसा को बहुत इज्जत करता था, आज इतना इज्जत नहीं करता हूँ जितना पहले इज्जत करता हूँ, लेकिन इज्जत करता हूँ, पैसा ही सब कुछ है। मनी इज एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मनी। सॉरी सॉरी, ये सब चीजें होता रहता है। ओके सो ये आपका देखिए, कितना बार हम लोग गलत हो रहे हैं आपको वो चीज देखिए बस, और कितना बार सही हो रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो एक फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसको मैं डिटेल्स में बता दूंगा आप लोगों को। ये सेकंड आपका पास एक झलक है, मजा आएगा आप लोगों को। ये सेकंड का बस एक झलक है, ये हो गया आपका। इसके बाद ये आपका हो गया, हाई हो जाएगा, कितना बताऊं मैं, बता बता के थक जाऊंगा सर। हमारे ही फेवर में मार्केट रहने वाला है, YouTube के लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। पर हाँ, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं ना पूरा वीडियो, वो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास पे जब सिखाता हूँ ना, एक एक वीडियो एक एक घंटा का सिखाता हूँ। अभी ऑलरेडी 49 मिनट हो गया है, पर आप लोगों के लिए 49 मिनट नहीं होगा, क्योंकि मैं आधा घंटा इससे मैं कट कर दूंगा जो मैंने सिखाया हुआ है फ्लैट ओपनिंग थ्योरी, और सिर्फ आप लोगों को ये सेकंड हाफ थ्योरी का एक जस्ट एक झलक है। ओके ये खत्म हो गया आप लोग का। चलिए मैंने मार्च महीना, और ये एक मार्च है, सॉरी मार्च का और एक टेबल, देखिए कितना टाइम हम लोग गलत हो रहे हैं। आप देखिए एक बार दो बार सही, तीसरी बार, चौथी बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, 20 ट्रेडिंग डे है और हमेशा हम सही है, तो इसका एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ का जो सिखाने वाला हूं, पहले तो मैं आप लोगों को फर्स्ट हाफ सिखा दिया था अच्छे से गैप अप गैप डाउन, सेकेंड हाफ का ये पहला पार्ट है, दूसरी पार्ट बना दूंगा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ट्रेडिंग जो है इतना इजी बनवाऊंगा आप लोगों के लिए, इतना इजी से इजी करवा दूंगा, बाकी भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों का डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग मार्केट को कितना टाइम देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम जो है सर सिर्फ पाथ दिखाना है, बाकी चलना है वो मैं बता दूंगा, अगर दिल्ली से मुंबई जाना है या फिर कलकत्ता से मुंबई जाना है मैं बता दूंगा कि ये रोड है, ये लीजिए आप ट्रेन लेंगे तो ये इधर पहुंच जाएंगे, फ्लाइट लेंगे तो ये सब कुछ चीजें मैं कर दूंगा, लेकिन चलना आपको है, ठीक है ना, चलना उस बात के ऊपर वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। तो ये था आज का क्लास और आशा करता हूं आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा, फ्लैट ओपनिंग थ्योरी भी आपका क्लियर हो गया होगा और ये जो सेकंड आपका पार्ट वन भी खत्म हो गया होगा, एक आइडिया आ गया होगा कि सेकंड हाफ कैसे मार्केट में काम करते हैं। नेक्स्ट बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो के बाद आपका सेकंड हाफ भी क्लियर हो जाएगा। मजा आ रहा है क्लास में, चलिए फिर इसी के साथ ये क्लास को मैं खत्म कर रहा हूं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक नया लर्निंग वीडियो के साथ, और ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 8 शायद, ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे आपको देखना है, ये आपका लेक्चर नंबर 8 पे आएगा, डायरेक्ट आपको लेक्चर नंबर 8 नहीं देखना है। चलिए थैंक यू ऑल,
एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।